हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू कार के पास आए हैं जिसका नाम है मर्सिडीज W123। ये कार 1981 की है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके लुक्स वगैरह। ये देखो, बहुत ही प्रीमियम, एकदम एंशिएंट कार है, विंटेज। उस टाइम पे मर्सिडीज की कार एकदम स्वीट सिंपल डिज़ाइन में आते थे, और ये एक रिस्टोर्ड वेरियंट है इसका, पूरा मॉडिफाइड है। पीछे पूरा ब्लैक कांच वगैरह करवाया हुआ है ब्लैक। ये देखो पूरा बहुत ही ऐसे ह्यूज है ये। एक बार बाहर से पूरा वॉक अराउंड देख लो इसका। इसके टायर्स भी चेंज है, मतलब रिम्स चेंज है इसकी। रिम्स भी एक बार चेक कर सकते हो। एंड इसकी साइज़ रहेगी R14, 14 इंच की व्हील्स रहेंगे इसमें, देख सकते हो बाहर से। एंड गाड़ी पे बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं है, देखो एकदम अभी भी शाइन कर रही है, फुल्ली रिस्टोर्ड है। इंटीरियर तो और भी ज़ोरदार बनाया गया है इसका। इंटीरियर भी चलेंगे अपने चेकआउट करने, एक बार बाहर से देख सकते हो। इसमें ऐसे कुछ डुअल नॉर्मल LED हेलोजन लैम्प्स रहेगी। ये पूरी ऐसी ग्रिल रहेगी इसकी। ये मर्सिडीज का लोगो देख सकते हो आप, ये ऐसी कुछ ग्रिल। और बाहर से तो ऐसा कुछ रहेगा ये। तो चलो जल्दी से इसका बोनट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका बोनट यहाँ से खुलेगा ऐसे करने पे, एंड बाहर जाके हम खोल पाएंगे। तो इसका बोनट ऐसा कुछ रहेगा अंदर से, देख सकते हो। और गाड़ी अंदर से एकदम अभी भी न्यू रखी है इन लोगों ने, पूरा इंजन एकदम सही है। एंड बोनट भी बहुत काफ़ी हैवी बोनट है इसका। ग्रिल वगैरह देख सकते हो आप, ये ऐसा कुछ इसका इंजन वगैरह रहेगा। बाकी इसकी बिल्कुल भी स्पेसिफिकेशंस हमें कुछ मालूम नहीं है, बहुत ही हैवी बोनट है क्योंकि एक तो बहुत ही विंटेज कार है ये, तो इसकी नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस आजकल इतनी मालूम नहीं रहती। और ऐसा कुछ इसकी डिग्गी रहेगी, और इसका बूट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, देखो बूट खुलने के बाद इसका लुक। एंड एक बार इसको बोनट अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ा बोनट है, काफ़ी, देखो फ्रेंड्स। तो बोनट हम बूट बंद कर देते हैं। ये देखो पीछे भी ब्लैक विंडोज़ है। तो बाहर से तो सब व्यू हो ही चुका है, और इसकी फ्यूल टैंक रहेगी इस साइड में। एंड ये रहेगा डीजल वेरिएंट जो माइलेज प्रोवाइड करेगा 20 km/L की। जल्दी से इंटीरियर में आपको चेकआउट करा देता हूँ, चलते इंटीरियर की तरफ। ये देखो इसका पूरा व्हील बेस, बहुत ही लंबी कार है, बहुत ज़्यादा आजकल की जो जैगवार्स आती है एकदम उनको कम्पीट करने वाली कार है। ये देखो फ्रेंड्स, इसका डोर कितना बाहर की तरफ खुल रहा है। एंड अंदर से देखे तो ये सेम वही इसमें लॉक रहेगा, ये डोर लॉक रहेगा। एंड सबसे मेन चीज़ इसमें एकदम यूनिक वे चीज़ है ये, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये इसका है हैंड ब्रेक, जो ऐसे लगता है हैंड ब्रेक, एंड ये ऐसे वापस रिलीज़ होता है। और आगे भी पावर विंडोज़ नहीं है, नॉर्मल रोलिंग विंडोज़। और सबसे अच्छी बात इसमें, ये देखो इसके जो डोर्स ORVMs है वो कैसे चेंज होंगे, देखो इधर से इधर उधर करके ये पूरे चेंज होते हैं। ये देखो अपन को जहाँ सेट करना है वैसे घूम जाएगा। एंड अंदर से ऐसा कुछ इसका व्यू है पूरा, देखो फ्रेंड्स ऐसा कुछ रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें यहाँ पे रहेगी इसकी क्लॉक जो मर्सिडीज़ का सिग्नेचर है। ये सब कार्स में इनकी क्लॉक ज़रूर देते हैं, आजकल की न्यू जनरेशन्स में इधर ये विंटेज टाइप की क्लॉक देते हैं, बट इसमें पुराने में यहाँ पे ही क्लॉक दी जाती थी टाइम बताने के लिए। ये ऐसा कुछ रहेगा इसका स्पीडोमीटर, ये रहेगा फ्यूल टैंक, ये इंजन ऑयल का, एंड ये टेम्परेचर एज यूजुअल। और बाकी ये सब थोड़े वार्निंग सिंबल्स वगैरह। और स्टेयरिंग इसका बहुत ही स्मूथ है, पावर स्टेयरिंग है इसमें। और ये रहेंगे दो AC वेंट्स यहाँ पे, एक यहाँ एंड एज यूजुअल एक यहाँ पे, 4 AC वेंट्स। और ये सब AC के कंट्रोल्स, ये लाइट वगैरह के, ये डिपर कंट्रोल्स, ये लाइट ऑन ऑफ का कंट्रोल, ये रेड वाला स्विच रहेगा AC का, स्टार्ट होने के बाद AC कंट्रोल्स रहेंगे। और ऐसा कुछ है दो AC वेंट्स यहाँ पे। एंड ये रहेगा ग्लव बॉक्स अपना, ये इतना रहेगा इसका ग्लव बॉक्स स्टोरेज के लिए। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ रहेगा इसका की का, यहाँ से इसकी की डलती है, ये देखो ये की।
एंड ये रहेगा फोर स्पीड मैनुअल गियर, जिसमें 1, 2, 3, 4 रहेंगे और रिवर्स रहेगा यहाँ पे। और इसका हैंड ब्रेक तो मैंने दिखाई दिया, हैंड ब्रेक वहाँ पे है। और ये दोनों इनमें रहेंगे सनशेड्स दोनों तरफ, देख सकते हो आप। एंड ये ऐसा कुछ रहेगा ORVM। तो देखो पीछे का डोर ऐसा खुल जाएगा एंड पीछे का आप व्यू देख सकते हो। फुल सेडान वाली एकदम मस्त फीलिंग आती है इसमें। और इसकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, न्यू सीट्स इसमें लगवाई हुई है। ये देखो फ्रेंड्स पीछे ये रहेगा आर्मरेस्ट ऐसा, तो यहाँ से खुलता है आर्मरेस्ट। ये सीट्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट सीट्स है, बहुत क्यूशनेबल सीट्स है। और ये यहाँ से व्यू, यहाँ से देख सकते हो लुक इसका पूरा। यहाँ पे इसका कुछ रहेगा ये डोर लॉक का, एंड इसमें पावर विंडोज़ नहीं दी है उस टाइम पे, नॉर्मल हैंड रोल विंडोज़ है। ये लॉक रहेगा इसका। और अंदर से एक बार मैं आपको बैठ के चेकआउट करा देता हूँ। देखो बैठने के बाद ऐसा व्यू रहेगा इसका। आगे का डैश कैम व्यू ऐसा रहेगा, डैशबोर्ड का व्यू देख सकते हो आप। और कार अभी भी अंदर से फुल लग्जरीनेस देती है, क्योंकि इसका सीट कवर्स चेंज हुए हुए, इसलिए अभी भी फुल लग्जरी फीलिंग दे रही है। भले ही बहुत पुरानी हो चुकी हो कार, बट अभी भी मर्सिडीज़ की ब्रांड वैल्यू उतनी है और इस कार की भी ब्रांड वैल्यू। ऐसा कुछ रूफ, पीछे का व्यू ऐसा रहेगा। तो चलो फ्रेंड जल्दी से करते हैं इस प्यारी सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके। गाड़ी हमें सेल करनी है, इसकी प्राइस है 8 लाख रुपया।